बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर फिल्मों से गायब है, लेकिन खबरों से दूर कभी नहीं रहती हैं। करिश्मा सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव हैं। अपनी डेली लाइफ की अपडेट्स करिश्मा इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं। करिश्मा छोटे पर्दे पर आने वाले रियलिटी शोज़ पे भी बहुत नज़र आती हैं। वहीं आपको बता दें कि आए दिन वो किसी न किसी रियलिटी शो की जज बनकर पहुंचती है। करिश्मा की अदाएं और उनकी खूबसूरती आज भी दर्शकों को बहुत पसंद आती है। इसके अलावा करिश्मा की निजी ज़िंदगी से जुड़े किस्सों को भी सोशल मीडिया पर बहुत खंगाला जाता है। जी हाँ, ये तो सब जानते हैं कि 90 के दशक की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक रही करिश्मा कपूर के लिए शादी का अनुभव बहुत कड़वा रहा है। करिश्मा कपूर और दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन संजय कपूर का तलाक हुए बरसों बीत चुका है। दोनों ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी इनके तलाक केस के दौरान हुए शॉकिंग खुलासे चर्चा बटोरते हैं। ऐसे में खुलासे में से एक वो खुलासा जब करिश्मा ने पति संजय पर लापरवाह पिता होने का इल्ज़ाम लगाया था। जी हाँ, करिश्मा ने अदालत को बताया था कि कैसे 4 महीने का बेटा कियान बुखार से तप रहा था और संजय उसे अकेला छोड़कर यूके चले गए थे। दरअसल करिश्मा और संजय की शादी जितनी चर्चा में रही उससे कहीं ज़्यादा सुर्खियों में उनकी तलाक रही। जी हाँ, करिश्मा और संजय ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला तो ले लिया था, लेकिन पूरा मामला बच्चों की कस्टडी पर जाकर अटक गया था। करिश्मा अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वहीं संजय भी बच्चों की कस्टडी हासिल करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थे। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे पर बहुत कीचड़ उछाला। जी हाँ, संजय ने करिश्मा को लालची बताते हुए कहा कि करिश्मा ने सिर्फ पैसों के लिए उनसे शादी की है, तो वहीं करिश्मा ने संजय को लापरवाह पिता बताया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट में करिश्मा ने कहा था कि जब उनका बेटा कियान सिर्फ 4 महीने का था, बुखार में तप रहा था, तब संजय उन्हें यूके ले जाने की जिद पर अड़ गए थे। बीमार बेटे को अकेला छोड़कर जाने से करिश्मा ने साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद अकेले संजय यूके चले गए। इसके आगे करिश्मा बताती हैं कि जब वह बाद में यूके पहुंची तब भी संजय ने परिवार को वक्त नहीं दिया था। वो अक्सर पूरी रात होटल से बाहर रहते थे और करिश्मा उनका इंतज़ार करती रहती थी। करिश्मा के मुताबिक संजय अपने परिवार से ज़्यादा गोल्फ पर ध्यान दिया करते थे। बता दें कि बच्चों की कस्टडी करिश्मा कपूर को मिली। करिश्मा सिंगल मॉम हैं और वह अपने बच्चों की परवरिश परफेक्टली कर रही हैं। वहीं पिता संजय कपूर के साथ भी उनके दोनों बच्चों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रही है। समायरा और कियान अक्सर अपने पिता के साथ वक्त बिताने के लिए दिल्ली जाते हैं। वो उनके साथ छुट्टियां बिताने विदेश भी जाते हैं। वहीं साल 2003 में अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने बिजनेसमैन संजय संग शादी कर ली थी। दोनों की शादी काफ़ी समय तक अच्छी ढंग से चली। 13 साल बाद दोनों के बीच टकराव होना शुरू हो गया, जिसके बाद 2016 में दोनों ने तलाक लिया। जहाँ तलाक के बाद संजय के बर्ताव को लेकर कई खबरें सामने आई जिसने सबको चौंका दिया, जिसमें से एक करिश्मा की सास को उनको थप्पड़ मारने का भी किस्सा सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा है। बताया जाता है कि संजय के कहने पर ही उनकी मां ने करिश्मा को ज़ोरदार थप्पड़ जड़ा था। आपको बता दें कि अभिनेत्री प्रेगनेंसी के बाद करिश्मा को उनके पति संजय ने एक ड्रेस को पहनने को कहा था जिसमें वो फिट नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद संजय ने अपनी मां को कहा कि वो करिश्मा के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दे। कहते हैं कि संजय ने करिश्मा को प्रेगनेंसी के बाद एक ड्रेस पहनने को कहा जिसमें वो फिट नहीं हो पाई और इसी के बाद उन्होंने अपनी माँ से एक्ट्रेस को थप्पड़ जड़ने को कहा था। जी हाँ, इस बात का खुलासा खुद करिश्मा कपूर ने संजय के खिलाफ दर्ज की गई याचिका में इस बात का जिक्र किया है। जी हाँ, वहीं जिसके बाद ये किस्सा काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी आ गया। वहीं आपको बता दें कि सिर्फ करिश्मा कपूर ही नहीं, शिल्पा शेट्टी टच करिश्मा कपूर ही नहीं, आपको बता दें कि उनके पति संजय कपूर भी कई बयान दे चुके हैं। जी हाँ, करिश्मा कपूर ने 90 के दशक में सिनेमा की दुनिया पर राज किया। वह दौर था जब एक्टर्स करिश्मा के साथ काम करने को बेताब रहते थे। वो हर जवा दिलों के सपनों की राजकुमारी थी। करिश्मा कपूर की शादी के पहले अभिषेक बच्चन से उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर रिश्ता टूट गया। फिर 2003 में करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से शादी की। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद सब कुछ बिगड़ने लगा। लेकिन शादी के 11 साल बाद 2014 में दोनों ने तलाक की अर्जी दी। जी हाँ, 2016 में दोनों का तलाक हुआ, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। संजय कपूर ने यहाँ तक आरोप लगाया था कि करिश्मा कपूर ने पैसों के लालच में उनसे शादी की थी। दोनों का तलाक बॉलीवुड के इतिहास में सबसे महंगा डिवोर्स साबित हुआ।
जी हाँ, आपको बता दें कि करिश्मा कपूर और संजय कपूर ने जब 2014 में अलग होने का फैसला किया तो ये सभी के लिए चौंकाने वाली खबर थी। दोनों आपसी रजामंदी से अलग हो रहे थे, लेकिन कोर्ट पहुंचते पहुंचते सब कुछ गंदा सा हो गया, बहुत गंदा। पहले करिश्मा कपूर ने आरोप लगाया कि संजय उन्हें खर्च के लिए पैसे भी नहीं देते थे, जिसके बाद संजय ने भी दावा किया कि करिश्मा कपूर लालची हैं और एक्ट्रेस ने सिर्फ पैसों के लिए उनसे शादी की है। लड़ाई दोनों के बच्चों की कस्टडी को लेकर भी थी। जब 2014 में तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट में दी गई, तब संजय कपूर के वकील अमन हिगुरानी ने मिड्डे को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने कोर्ट से ये कहा कि तलाक की अर्जी आपसी रजामंदी से दी गई है, दोनों लोग आपसी सहमति से हर सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं। कई रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि इस तलाक में करिश्मा कपूर को कुछ भी नहीं मिला। जी हाँ, इस पर संजय कपूर के वकील ने इंटरव्यू में कहा कि करिश्मा को खार इलाके में संजय कपूर का घर दिया गया। इसके अलावा संजय कपूर ने बच्चों के लिए 14 करोड़ का बॉन्ड खरीद कर दिया। सिर्फ इस बॉन्ड से हर महीने 10 लाख रुपये का ब्याज बनेगा। स्पॉट बॉय ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि संजय कपूर और करिश्मा ने जो आपसी सहमति बनी उसके मुताबिक संजय कपूर समायरा और कियान का सारा खर्च उठाएंगे। एक अन्य रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि संजय कपूर के परिवार ने शादी पर करिश्मा कपूर को जो गहने भी दिए वो सब उन्हीं के पास रहेंगे, यानी करिश्मा को कुछ भी लौटाना नहीं होगा। जी हाँ, संजय कपूर चाहते थे कि बच्चे उनके पास रहें, जबकि करिश्मा भी बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती थी। फैसला हुआ कि बच्चे करिश्मा के पास ही रहेंगे, जबकि संजय खास मौकों पर बच्चों से मिल सकेंगे। एक रिपोर्ट में कहा गया कि संजय कपूर को साल भर में 2 से 3 महीने बच्चों के साथ रहने की छूट मिली हुई है। जी हाँ, वहीं करिश्मा कपूर से तलाक के बाद संजय कपूर ने 2017 में अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया सचदेव से शादी की। बीच में करिश्मा का नाम भी बिजनेसमैन संदीप तोशनीवाल से जुड़ा। संदीप भी शादीशुदा थे और पत्नी से तलाक चाहते थे, हालांकि बाद में ये बातों में कहीं खो गए। करिश्मा कपूर की लव लाइफ बड़ी अस्थिर रही है। बताया जाता है कि करियर की शुरुआत के दौर में वो अजय देवगन को डेट कर रही थी। जिगर फिल्म के को-स्टार अजय देवगन और करिश्मा कपूर का रिलेशन भी काफ़ी कम समय तक चला, फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया और इसके बाद 2002 में करिश्मा की अभिषेक बच्चन के साथ सगाई हुई, लेकिन कुछ ही महीनों में सगाई भी टूट गई। जी हाँ, इसके बाद उन्होंने संजय कपूर से शादी की और संजय कपूर के साथ भी उनकी शादी नहीं चली, वो भी टूट गई। और इसके बाद जब उनका अफेयर किसी और के साथ चला तो उनके साथ भी उनका अफेयर काम नहीं किया। जी हाँ, तो आपको बता दें कि करिश्मा कपूर की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी रही है। यहाँ तक कि करिश्मा कपूर ने इस बात का खुलासा किया है कि कई मौके पर उनके पति ने उनका साथ नहीं दिया। जी हाँ, जहाँ उन्हें अपने पति की ज़रूरत थी, उनके बच्चों को उनके पति की ज़रूरत थी, तो वो एक अच्छे पिता तक साबित नहीं हो पाए। जी हाँ, ये सारा खुलासा खुद करिश्मा कपूर ने अपने इंटरव्यू में दिया है और सारी बातें अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताई है। जी हाँ, जो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सर्वे की रिपोर्ट।